बाड़ी क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने ट्रक सहित चालक आरोपी शेख अल्ताफ शेख सलीम महेंद्र नगर पाचपौली निवासी, उसका साथी प्रमोद कलने यशोधरा नगर निवासी और अक्षय शिंदे यादव नगर यशोधरा नगर निवासी आरोपियों को 200 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने तीनों को 5 दिन यानी 27 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी नागपुर के संतरे के खाली कैरेट ट्रक में लाकर ओडिशा गए थे। गांजा तस्करी का कनेक्शन गोंदिया से जुड़ा है। गोंदिया के अग्रवाल नामक तस्कर ने आरोपियों को ओडिशा से गांजे की खेप लाकर नागपुर में छोड़ने को कहा था। ट्रक पार्टी इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना पर कापसी उमिया भंडारा रोड पर ट्रक क्रमांक MH13AX4866 को रोककर चालक शेख अल्ताफ, प्रमोद कलनी और अक्षय शिंदे को गिरफ्त में लेकर ट्रक से 9 बोरियों में भरा करीब 200 किलो गांजा जब्त किया था। गांजे की कीमत 40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने ट्रक, कैरेट व मोबाइल सहित 56,16,000 रुपए का माल जब्त किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।